देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अगर दोबारा इस घर की चौखट पे तुमने कदम रखने की जुर्रत भी की तो मैं खुद तुम्हें धक्के मार के यहां से निकाल दूंगा। अब खड़ी क्यों, दफा हो जाओ। घर मेरा है, यहां कौन रहेगा कौन नहीं उसका फैसला मैं लूंगा। बाजी आप ठीक हैं? तुम इतनी रात तक यहां क्या कर रही हो? बच्चे घर पे अकेले होंगे, जाओ घर जाओ। वो कल सुबह सुबह दुकान पर माल आने वाला है, मुझे जल्दी पहुंचना होगा, मैं निकलता हूँ सर। आज के लिए शुक्रिया। जी थैंक यू, शुक्रिया। आज रुक, आज तूने साबित कर दिया हैदर, इस दुनिया में नेक दिली और मुरव्वत का सिला सिर्फ और सिर्फ आंसू होते। दुआ को क्या जरूरत थी उस लड़की पहले को? तू बता मुझे, क्या ये तरबियत दी है मैंने तुम्हें? उस बिचारी को कितना डांट दिया तुमने, वो भी सबके सामने, उसकी खास दिन को आंसू से भर दिया तूने। मैं मानती हूं हैदर, गजल तुम्हें सख्त नापसंद है, लेकिन औरत अगर दुश्मन भी हो तो भी उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत करना, उसे महफूज रखना मर्द का फर्ज होता है। तू तो अपना फर्ज भूल गया, लेकिन वो बिचारी जो अपना फर्ज निभा रही थी उसी के साथ बदसलूकी की तूने। अम्मी आप तो जानती हैं मुझे दुआ की कितनी फिक्र है, और पूरी दुनिया में एक ही लड़की बची है उसके साथ दोस्ती करने के लिए, वो लड़की, वो जिसकी फितरत ही तबाही हो। मैं नहीं चाहता हूं कि दुआ उस लड़की के साथ दोस्ती रखे, उस लड़की का इस घर के साथ कोई नाता हो, बस नहीं तो एक दिन इस घर को ही वो जला देगी। जला तो एक दिन तू देखा अपने इस घर को अपने गुस्से से। मैं जानती हूं है तू कितना साफ दिल है, इसीलिए तो जब दिन में 5 बार दुआ मांगने के लिए हाथ उठाती हूं तो तेरी नेकियां याद करती हूं। लेकिन बेटा, गुस्से में तेरे मुंह से निकला हुआ एक कड़वा हर्फ वो दिन में 5,000 बार याद करेगी। I'm sorry, अम्मी, गुस्से को काबू रखने की कोशिश करूंगा। माफी मुझसे नहीं, उससे जाकर मांगो जिसकी सालगिरह को मायूसी का तोहफा देकर यादगार बनाया है तूने। आज वाकई कुछ ज्यादा बरस पड़ा मैं दुआ पर, अब उसे मनाना पड़ेगा। करोड़ों की जायदाद होने का क्या फायदा जब दो पैसे की तमीज तक नहीं है? सच्चे तुम गरीब लोग ही। इकबाल आज सुनो मुझे, गजल मैं असल बेटा वो
बेटा तुम्हारी बेइज्जती मुझसे देखी नहीं थी, इसलिए घर वालों से छुपते छुपाते मैं बस 2 मिनट के लिए तुमसे बात करने आई हूँ। बेटा अपने खानदान की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ गजल। उस हैदर को तो बात करने की तमीज ही नहीं है। अरे कम से कम वो इतना तो सोच लेता कि सामने लड़की खड़ी है। माफी चाहती हूँ गजल बेटा, लेकिन मैं चाहते हुए भी सबके सामने उसे कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि हैदर के सामने किसी की नहीं चलती। आखिर घर को चलाने वाला तो वही है ना। लेकिन गजल तुम तो फिर भी बाहर वाली हो ना। मेरी दिन रात इस घर में तोहीन होती है। आपको उर्दू पढ़नी आती है? पढ़नी आती है, लिखनी भी आती है मुझे उर्दू बेटा, लेकिन तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? क्योंकि अगर आपको उर्दू पढ़नी आती है तो जो कुछ आज हुआ उसकी जिम्मेदार आप हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर आपको उर्दू पढ़नी आती है तो जो दुपट्टा मैंने पहना था उस पर हैदर का नाम लिखा हुआ था, और तब भी आपने वो दुपट्टा मुझे पहनने दिया। ये ओढ़नी अब जच रही है तुम पर। और आपने तो खुद अपने हाथों से उसे मेरे सर पर रखा और मुझे मेहमानों के बीच में भेज दिया। दुपट्टा नहीं पहनती तो ना ही हैदर मुझे इतनी बातें सुनाते और ना ही गलती से इकबाल के आदमी दुआ को उठाकर लेकर जाते। आपका बेटा तो है ही बदतमीज, और आप तो ना। वो मेरा बेटा नहीं है, वो मेरा मतलब है सौतेला बेटा है। आपके सौतेले बेटे के साथ आपकी क्या दुश्मनी है ये जानने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन हाँ खबरदार अगर अगली बार आपसी दुश्मनी के चलते मुझे मोहरा बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश की तो छटे हुए कुंडों पर भारी पड़ती हूं। आप तो क्या ही चीज है। खुदा खैर करे, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा तीखी निकली ये ततैया मिर्च। मजा तो तब आएगा जब ये तीखी मिर्च हैदर और दुआ की जिंदगी की मिठास छीनेगी। रूहान, अभी इतना तमाशा हुआ है घर में, वो कम था क्या? आई नो, प्लीज मुझे जाने दे। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो उस बेचारी के बारे में सोच के मैं रात भर सो नहीं पाऊंगा, मुझे नींद नहीं आएगी और सुबह तक भाग सड़क हो जाएंगे मुझे। रूहान, ये मजाक का वक्त नहीं है यार। इतनी मुश्किल से भाई भाभी को मनाने गए हैं और उन्हें पता चला ना कि तू उस गजल के पीछे गया है तो उनका मूड फिर से खराब हो जाएगा। तू जानता है ना कि उनकी गुस्से की वजह चाहे जो भी हो वो निकलता भाभी पर ही है। किसी को नहीं पता चलेगा, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा, ठीक है? नहीं रूहान, बिल्कुल नहीं। देख, मैं ये तेरी बात नहीं मान सकती। हाँ, भाई ने वैसे ही मना किया है कि वो लड़की इस घर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और कोई उनसे दोस्ती नहीं कर सकता, ना भाभी और ना तू। अच्छा, चल अब। अरे प्लीज जाने देना मुझे, देख तुझे तेरे बुक्स की कसम है। रूहान, बकवास बंद कर, चल अब। तू फेल हो जाएगी एग्जाम में। नहीं। अरे तुम्हें दुनियादारी की कोई समझ नहीं है दुआ, तो तुम्हें इसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। तुम्हारे फैसले किचन तक महदूद रहे, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, समझे? अभी कोई गैर नहीं, ये मेरी दोस्त है। आज चलते किसी भी सड़क छाप के साथ दोस्ती करने से पहले कम से कम ये तो सोच लेती दुआ कि उसके साथ रिश्ता बराबरी का हो भी सकता है कि नहीं। जहां से आई और जहां हम रहते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है दुआ। आपकी ग्रीन टी लाना। दो, जरा मेरी बात तो सुनो।
माशाल्लाह बहुत तेज लग गया यार, तू खुड़ा रहा, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ रहता, मुझे माफ कर दीजिए, मैं काम करती हूँ, मैं ना डॉक्टर अंसारी को फोन करती हूँ, वो दवा खाने पे होंगे, अभी कॉल करती हूँ। जज मैंने तुम्हें दिया है दुआ, उसके सामने कुछ नहीं, पता नहीं तुम्हारे शौहर को कब अकल आएगी, कब वो अपने गुस्से पे काबू पाना सीख लेगा। इस तरह सबके सामने तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था। नहीं हैदर, गलती तो मेरी है, जो चीजें आपको पसंद नहीं है उन चीजों की जिद मुझे नहीं करनी चाहिए। माफी तुम्हें नहीं, मुझे मांगनी चाहिए, और इस तरह नहीं, जिस तरह सबके सामने तुम पे चिल्लाया उसी तरह सबके सामने माफी मांगनी चाहिए। चलो। नहीं हैदर, ये क्या कर रहे हैं आप? मियां बीवी के बीच का मसला आपस में ही सुलझाना चाहिए, घर वालों के सामने तमाशा करने का क्या फायदा? तो तुम्हें लगता है कि ये मसला आपस में ही सुलझ जाएगा? कोई मसला है ही नहीं। जब कोई मसला है ही नहीं तो हमें वो करना चाहिए जो आपस में मियां बीवी करते हैं, जब अकेले होते हैं। आज आपको क्या हो गया है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। करूं मैं तेरा सजदा, सॉरी भाई, भाई आई एम सो सॉरी, हमें नॉक करके आना चाहिए था। कुछ नहीं, वैसे भी हम हाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन क्यों कुछ नहीं हो रहा था? हस्बैंड और वाइफ को तो अलाउड है ना, इसीलिए तो शादी करते हैं ना। नूर कुछ सोच समझ लिया करो बोलने से पहले, कुछ तो शर्म लिहाज करा करो। लेकिन इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? पता है मैंने अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक में पढ़ा था कि जब एक आदमी और औरत पास आते हैं तब उनके बीच कुछ कुछ बस 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 तुम ना अपनी साइंस बुक थोड़ा सा कम पढ़ा कर। चलो अब भाभी। हाँ कायनात, आपको अम्मी बुला रही है और तुम चलो मेरे से। कंप्लीट तो करने दो, बहुत मुश्किल से पढ़ा था मैंने, आपको समझा हो क्या? मैं अम्मी बुला रही है। दुआ, ये अम्मी की टाइमिंग भी ना कमाल की है, और वैसे भी उस लड़की गजल की वजह से आज का खास दिन उसका मजा पूरी तरह किरकिरा हो चुका है। इस खास दिन को दोबारा खास बनाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, लेकिन क्या? या अल्लाह, बस उस नामुराद लड़की से दोबारा रूबरू मत करवाना। तू अब कितनी जल्दी आ गई? आपके अरमानों पर पानी फेरने के लिए सॉरी भाईजान, लेकिन मैं भाभी नहीं भाभी का प्यारा सा देवर हूं। अरे कोहिनूर को छोड़ो ना। कोहिनूर? अरे छोड़ो भाईजान, आप ना आप सिर्फ काम पे फोकस करो, ठीक है? वैसे इस बार आपने भाभी का दिल सच में दुखाया है, वो आपसे गुस्सा तो हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी आपको कुछ उनके लिए स्पेशल प्लान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वो सब आप मुझ पे छोड़ दो भाई, आप तो भाभी को वो गिफ्ट दो जिसका वो सुबह से इंतजार कर रही है, और भाभी के साथ थोड़ा सा रोमांटिक टाइम स्पेंड करो। तुम करने के हवाले हो रुहान? Just wait and watch. अरे रुहान मेरी बात सुनो, रुहान करने के हवाले है? 10 बार गिनवा दिया, ये गाड़ी से टकरा गई, गाड़ी से टकरा गई। अरे गाड़ी खुद भी तो ठीक से चलानी चाहिए ना। मैं तो ऑटो देख के चला रहा था मैडम। अरे तुमसे नहीं बात कर रही, इस रही सादे ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। वैसे किया क्या उसने? अरे पहले उसके घर वालों ने मुझे खुद दावत पर बुलाया और उसके बाद तुम बड़े दाम दिखा रहे हो। अकेली लड़की देख ही रही कि बड़े हीरो बन रहे हो। चलो तफा हो जाए यहाँ से। और उसके परिवार के साथ जो भी हुआ उसके लिए मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन इसमें सारी गलती मेरी कैसे हुई? मैंने इकबाल से कहा कि जाओ मेरी जान, वो को उठा ले जाओ। वो क्या मुझे घर से बाहर निकालेगा? मैं ना खुद ही उस रईसजादे के घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगी।
बापू जी, दुआ इस वक्त हीना के कमरे में क्यों जा रही है? तुम बैठो, तो बैठो, बैठो। अम्मी सब ठीक तो है? आप लोग ऐसे, तुम्हें लग रहा होगा ना तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुम्हारी अम्मी ने उस गजल से कुछ भी नहीं कहा। ऐसे क्या खिचड़ी पका रहे हैं ये लोग जिसमें मुझे शामिल नहीं कर रहे? दरअसल बात ये है, बड़ी दुल्हन, आज तुमने गजल के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। अनजाने में ही सही तुमने जो कुछ भी किया वो दरअसल हम सबका फर्ज था। मैं कुछ समझी नहीं। असल में बात यह है कि गजल के अब्बू का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान है। दुल्हन, जब हैदर नन्हा सा था तब एक दिन अचानक उसकी तबीयत बहुत नासाज हो गई, इसीलिए मैं उसे लेकर मियाँ के दुकान पर गई, यही सोचकर कि मियाँ के साथ मिलकर मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। वही गजल के अब्बू रहमानी साहब कपड़ा खरीदने के लिए आए हुए थे। मियाँ उन्हें कपड़े का थान देने के लिए अंदर गए थे और मैं वही दुकान पर रुकी हुई थी। ऐसे में रहमानी साहब ने पानी मांग लिया मुझसे, तो मैंने नन्हे से हैदर को वही लिटाया और उन्हें पानी देने के लिए अंदर चली गई। लेकिन जब मैं बाहर आई मेरी तो जान निकल गई थी, क्योंकि वहां ना तो हैदर दिखाई दे रहा था ना ही रहमानी साहब मौजूद थे। मैं चीख कर दुकान के बाहर भागी, देखा तो रहमानी साहब नन्हे से 6 महीने के हैदर को लेकर भाग रहे थे। मैं उनके पीछे दौड़ी, मियाँ भी उनके पीछे भागे। आखिरकार जब वो एक बिल्डिंग में दाखिल हो रहे थे तो मियाँ ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया। ऐसा था बेटा, जब हम दोनों वहां मौजूद नहीं थे तब हैदर की सांस भारी हो गई थी, वो नीला पड़ रहा था, इसीलिए उसे लेकर रहमानी साहब डॉक्टर के पास भाग रहे थे। या अल्लाह, फिर? अल्लाह की रहमत बेटा, उस दिन अगर रहमानी साहब ना होते तो आज मेरा हैदू हम सबके बीच नहीं होता। फिर तो हैदर की जिंदगी गजल के अब्बू की देन है। केवत हैदर को पता है क्या? क्योंकि अगर उन्हें पता होता वो गजल से इतनी कड़वी बातें नहीं करते। बात ये है बेटा, रहमानी साहब ने ना सिर्फ हमें मना किया बल्कि हमसे वादा लिया कि हम ये बात हैदर पर कभी जाहिर नहीं होने देंगे। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हैदर किसी के एहसानों के बोझ तले अपनी जिंदगी बिताए। वो तो अपनी नेकी करके चले गए, इसीलिए उनके इंतकाल के बाद हमसे जो बन पाया वो हम उनकी बेटी के लिए, मतलब गजल के लिए करते आए हैं। फिर तो गजल की तरफ मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। अब तो उसकी हिफाजत करना मेरा और भी ज्यादा फर्ज है। एक रात के एक लम्हे के लिए लड़की इस घर में नहीं रह सकती। तुहा साहब को दूध पिलाने की गलती मैं कर नहीं सकता। तो खड़ी क्यों, दफा हो जाओ।
मेरी जान अभी भी उसी के बारे में सोच रही है ना? अरे जिन लोगों के साथ कोई लेना देना ही नहीं, उन लोगों के बारे में सोच कर अपना मूड खराब करने की क्या जरूरत है? पता नहीं बेचारी गजल किस हालत में होगी। एक तो अकेली, ऊपर से वो कम वक्त एक बाहर के गुंडे और वो उसके पीछे पड़े हैं।